आदरणीय सिंधिया जी को नए हैं, इनको मंत्रालय चलाने का वर्षों का अनुभव है और बहुत ही सक्षम, बहुत ही योग्य, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अनुभवी न सिर्फ समझिए नेता हैं बल्कि प्रशासक भी हैं। मैं तो आरसीपी सिंह जी से आशीर्वाद लेने आया था, हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। आरसीपी सिंह जो कि मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का कार्यकाल आज खत्म हो चुका है और इस्पात जो मंत्रालय है वो ज्योति आदित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है। इस पर आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। आरसीपी सिंह जी, मैं सदैव सीढ़ी लेता हूँ। सर, एक बार आप दोनों विजुअल हो जाएगा, सर एक विजुअल सर, बस इस्पात मंत्रालय सर के पास गया है, क्या कुछ आप इनको मतलब कहेंगे अपने लास्ट? अच्छा, आप ये बता दीजिए जी, आदरणीय सिंधिया जी को नए हैं, इनको मंत्रालय चलाने का वर्षों का अनुभव है और बहुत ही सक्षम, बहुत ही योग्य, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अनुभवी न सिर्फ समझिए नेता हैं बल्कि प्रशासक भी हैं। और इनके नेतृत्व में जो हमारा जो इस्पात मंत्रालय है, उन्होंने प्रधानमंत्री जिनको जिम्मा दिया है और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अपने प्रधानमंत्री से देखते हैं, एक साल का जो कार्यकाल, चलिए उस पर बात करेंगे अभी। मैं तो आरसीपी सिंह जी से आशीर्वाद लेने आया था, हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता गैर राजनीतिक भी रहा है और उसी के साथ साथ मंत्रालय की इनकी दृष्टिकोण, इनकी विचारधारा, उसका ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए मैं आया था। मेरा सौभाग्य है कि आरसीपी सिंह साहब के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला था और आगे भी इन्हीं के मार्गदर्शन और इनकी विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे चलें। तो आपने सुना आरसीपी सिंह को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज फिर उनसे स्थिति पर सवाल किया गया तो आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध ली और इस पर वो कुछ बोलने से बच रहे थे। आपको बता दें आरसीपी सिंह का आज कार्यकाल खत्म हो गया और वो उनके जगह ज्योति आदित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाला गया, कार्यभार दिया गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो कि पिछले दिनों मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे, उनसे बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कई बार सवाल पूछे गए लेकिन आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध ली। दरअसल इस बार जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा से टिकट काट दिया। इसके बाद आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच दरारें झलक रही थी। एक वक्त था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हनुमान पुकारे जाते थे तो वो खुश होते थे, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो किसी के हनुमान नहीं है। अब उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, लेकिन एक बार फिर से आरसीपी सिंह इस्तीफे के सवाल पर बचते हुए नजर आए। अब जो भी अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।